Friends, today we are going to start the topic formal and informal sources of credit. It is the economics topic of chapter number 3, money and credit. तो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे. एज यू नो, क्रेडिट मीन्स लोन. हम जानते हैं कि क्रेडिट का मतलब है जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसको कहते हैं. हम लोन लेने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज. तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेज के एग्जांपल हैं. अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या वो बैंक जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं. इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनसे लोन लेते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. अगर हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें, उनके फीचर्स की, तो हम ये कहेंगे कि बैंक से जो लोन है वो हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है एंड ईजी रीपेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें बैंक को डॉक्यूमेंट देने होंगे एज अ कोलेट्रल. कुछ बैंक को गारंटी के तौर पे हमें दुकान के, मकान के पेपर्स सबमिट करने होंगे, तभी हमें बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी. अगर हम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें, इसकी क्या फीचर्स होती हैं, तो अगर हम मनी लेंडर से या रिलेटिव्स जो हैं या ट्रेडर्स जो हैं अगर उनसे लोन लेते हैं तो हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड रीपेमेंट इज नॉट ईजी. रीपेमेंट का तरीका भी आसान नहीं होता, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है. इसलिए लोगों को, जो पुअर लोग होते हैं, उनको आसानी से लोन मिल जाता है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या फ़र्क है. फॉर्मल ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें तो RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. यानी कि जो भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, जैसे बैंक एंड कोऑपरेटिव, उनको RBI लगातार सुपरवाइज करती रहती है कि बैंक्स जो हैं वो सब लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही हैं. ऐसा तो नहीं है अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनको लोन प्रोवाइड कर रही हैं. इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ दीज सोर्सेज. इनफॉर्मल के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो सुपरवाइज कर सके कि किस रेट पे किसको कितना लोन दिया जा रहा है. फॉर्मल सोर्सेज के अंदर दे चीप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें आसानी से और चीप रेट के ऊपर लोन मिल जाता है, बट इन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. मनी लेंडर्स जो हैं या ट्रेडर्स जो हैं वो हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर देयर मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर. यहाँ पर जो बैंक लोन प्रोवाइड करती हैं उनका मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करना होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना होता है. लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर जो भी लोग लोन देते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है,
सिर्फ फ़ायदा कमाना। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर जैसे मैंने बताया कि बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं, और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, ये लोग आते हैं। अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि 85% लोन एक्टिविटीज़ जो हैं पुअर हाउस होल्ड के अंदर वो इनफॉर्मल सोर्सेज के ज़रिए की जाती हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं रूरल एरियाज़ के अंदर 85% लोग जो हैं वो लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिच अर्बन एरियाज़ के अंदर सिर्फ 10% लोग जो हैं वो लोन लेने के लिए फॉर्मल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं जब मनी लेंडर से ट्रेडर से लोन लेंगे तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, जिससे वो डेब्ट ट्रैप की कंडीशंस के अंदर आ जाएंगे। सो फॉर्मल जो सेक्टर्स हैं लोन देने के, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि गरीब लोग जो हैं वो बैंक से चीप रेट पे लोन ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। जो गरीब लोग हैं रूरल एरियाज़ के अंदर वो ज़्यादातर लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज़ स्टिल। अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर बैंक नहीं है। दूसरी चीज़, बैंक से लोन लेना इन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बैंक को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल की ज़रूरत होती है। कोलेट्रल मतलब हम बैंक से जब भी लोन लेते हैं तो हम बैंक के पास क्या जमा कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी और अ गारंटी के तौर पर। और हम जानते हैं कि पुअर लोग जो हैं उनके लिए कोलेट्रल जो है वो देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पुअर जो लोग हैं उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला लोन लेने का। एक गांव के अंदर जो वुमेन होती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं एंड दे यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम विलेज, और वो सब एक ही गांव के होते हैं। दे मीट रेगुलरली एंड सेव रेगुलरली, वो आपस में मिलते हैं और अपनी जो सेविंग होती है वो जमा करते हैं। सेविंग के तौर पर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एक महीने में कितनी सेविंग करनी है, और जो सेविंग है वो वैरी हो सकती है फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर फ्रॉम द मेंबर टू मेंबर, और ये डिपेंड करती है मेंबर्स के ऊपर कि मेंबर्स कितनी सेविंग में राज़ी हो जाते हैं। इस तरह से ये लोग जो हैं आपस में जो ग्रुप है वो क्या करता है कि वो सेविंग इकट्ठी करते रहता है। तो उससे जो गरीब लोग हैं वो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि इट हेल्प द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो इस पैसे को एज अ लोन के तौर पर ले सकते हैं, और इनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि पीपल कैन गेट टाइमली लोन फ्रॉम अ वैरायटी पर्पस एट रीजनेबल इंटरेस्ट ऑफ रेट। यानी कि लोगों को जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको समय के हिसाब से आसानी से लोन मिल सकता है, और वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस तरह से ये ग्रुप काम करता है, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रूरल एरियाज, और रूरल पुअर गरीब लोगों के लिए ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है।
दे हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, और जो वुमेन है उनको ये ग्रुप आत्मनिर्भर होना भी सिखाता है, यानी कि अब वुमेन जो हैं वो सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं और अपनी सेविंग के ज़रिए अपने डिफरेंट काम को कर सकती हैं। इनको अगर ये ग्रुप लगातार सेविंग करता रहता है तो वो बैंक से लोन लेने के लायक भी हो जाता है, यानी कि ये ग्रुप अपनी सेविंग को दिखाकर बैंक से भी लोन ले सकता है, और बैंक जो है वो उनकी सेविंग के ऊपर इस ग्रुप के नाम लोन सैंक्शन कर देती है। लेकिन बैंक को लोन वापस करने की जिम्मेदारी किसी एक ग्रुप के मेंबर की नहीं होती, बल्कि पूरा ग्रुप जो है वो बैंक को लोन करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। तो इस तरह से ये जो गरीब लोग हैं जो पुअर एरियाज़ के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं वो अपनी सेविंग के ज़रिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं जहाँ पर बैंक नहीं होती, और फर्दर अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो अपनी सेविंग को दिखाकर इस तरह से बैंक से लोन ले सकते हैं। थैंक्स।